हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की, जो कि हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड की तरफ से रिलीज की गई है। हेल्थ इंस्पेक्टर एंड वॉशरमैन की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। गाइस, कंप्लीट डिटेल्स इस वैकेंसी से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, जान लेते हैं वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रिक्रूटमेंट जो है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है सिविलियन ग्रुप सी हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड की तरफ से। तो गाइस, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है वो वॉशरमैन और हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर रिलीज किया गया है, जिसके लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर 30 जुलाई से लेके 5 अगस्त के बीच में ये रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया था एडवर्टाइजमेंट। और इसी के 45 डेज के अंदर आपको ऑफलाइन मोड से अपनी एप्लीकेशन गिवन एड्रेस तक पहुंचानी है। अब आगे देख लेते हैं गाइस, बात करेंगे हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसीज की। तो इन टोटल 17 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, और यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे गिवन है। आगे देख लेते हैं गाइस, बात करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉशरमैन की वैकेंसीज की। तो वॉशरमैन की भी 17 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिट वाइज गिवन है, आप इसे चेक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो हेल्थ इंस्पेक्टर और वॉशरमैन दोनों के लिए ही आपको 10th पास होना तो जरूरी है। साथ में वॉशरमैन के लिए आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट भी चाहिए। और दूसरा, वॉशरमैन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलिट्री सिविलियन क्लोथ से धोने दोनों तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आने चाहिए। और हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए आपको सेंट्री इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग फिर अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम एज दोनों की सेम है 18 ईयर्स, लेकिन मैक्सिमम एज हेल्थ इंस्पेक्टर की 27 है और वॉशरमैन की 25 है। अब आपको इस गिवन एड्रेस के ऊपर अपना जो फॉर्म है वो 45 डेज के अंदर सबमिट करना है। तो गिवन एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, कमांडेंट कमांडेंट हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ। तो यहाँ पे आपको जो गिवन फॉर्मेट है आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे उसे सेंड करना है। होप सो गाइस, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप देख सकते हैं यही गिवन एड्रेस वगैरह गिवन है। यहाँ पे लिखा है द एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। और यहाँ पे ये भी चीज लिखी हुई है कि एवरी एप्लीकेंट मस्ट अप्लाई सेपरेट फॉर ईच पोस्ट। अगर आप लोग एक पोस्ट से ज्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। होप सो गाइस, यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से आप लोग अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी आपके ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC ने, IIT जेईई नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से आप लोग अनअकैडमी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर